स्पॉटेड डियर क्रॉस करते हुए। देखिए सावधान, आगे पानी का बहाव काफ़ी तेज है, कृपया पानी का लेवल देखकर ही रपटा पार करें। दोस्तों देखिए दोस्तों सामने सामर डियर आप देख सकते हैं, जस्ट हमारे सामने ही है। यहाँ पर देखिए सनसेट कितना प्यारा हो रहा है, आप देख सकते हैं सामने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आज हम अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं सुंदरखाल विलेज से, और आज हम जाएंगे जीरो पॉइंट तक, और रास्ते में जो भी एक्टिविटी मिलेंगी दोस्तों वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और सामने आपको दिखाता हूँ कि रपटा, यहाँ पर पानी कंटिन्यू रहता है दोस्तों, और यहाँ पर काम चल रहा है पुल का। और देखिए यहाँ पर सामने कीचड़ होते हुए, और जो भी वाइल्ड लाइफ मिलेगी दोस्तों हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और सामने की तरफ एक रपटा आता हुआ, वहाँ पर कुछ पानी दिखाई देते हुए, और देखिए सामने एक साइन बोर्ड लगा है दोस्तों, टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र है। देखिए दोस्तों सामने कितनी तेज पानी आते हुए आप देख सकते हैं। अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया, और आप देख सकते हैं जगह जगह यहाँ पानी भरा हुआ है। और दोस्तों काफ़ी यहाँ पर इस समय वाइल्ड लाइफ बाहर आने के लिए तैयार है, क्योंकि बारिश के बाद जो वाइल्ड लाइफ निकलती है रोड किनारे, इसी समय निकलती है दोस्तों। और इसी जंगल में यहाँ पर देखो सनसेट कितना प्यारा हो रहा है, आप देख सकते हैं सामने। और इसी जंगल से निकल कर रोड पार करती है वाइल्ड लाइफ। देखिए जैसे स्पॉटेड डियर, सामर डियर, और कभी कभी तो यहाँ से टाइगर भी रोड क्रॉसिंग करता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों आप इंजॉय लीजिए, और सामने का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, आप चेक करिए। देखिए दोस्तों पहाड़े के ऊपर घना कोहरा, और ऊपर पड़ रही है तेज़ तर्रार बारिश, आप देख सकते हैं सामने की ओर, सामने की तरफ यहाँ से गाड़ी आते हुए। अभी दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी गेट के पास में हैं हम, और मोहान यहाँ से है 5 किलोमीटर दूर, आप देख सकते हैं सामने मोहान से 5 किलोमीटर दूर है दोस्तों। और यहाँ पर लिखा है देखिए सावधान, आगे पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, कृपया पानी का लेवल देखकर ही रपटा पार करें। दोस्तों सामने की तरफ रपटा है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ था कल, और यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर जाम लगा हुआ था, क्योंकि ऊपर से पहाड़ी से पानी आया और यहाँ पर कंटिन्यू जाम लग गया, आप देख सकते हैं इस जगह। तो दोस्तों ये जिम कॉर्बेट पार्क का धनगढ़ी गेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का धनगढ़ी गेट का एरिया है, और यहाँ पर काफ़ी बार वाइल्ड लाइफ के मूवमेंट बहुत देखे जाते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं व्यू, और व्यू चेक करिए, व्यू कितना अल्टीमेट है दोस्तों। बहुत ठंडा मौसम हो रहा है यहाँ का। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पानी, यहाँ भी ये नीचे छोटा सा नाला है, और देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ, और यहीं से पार होकर पानी जाता है रिवर्स साइड, आप देख सकते हैं सामने। सामने की ओर हमारे यूट्यूबर साथी कवरेज करते हुए, मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। तो इसी जगह काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर रोड क्रॉस करके गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं सामने कितने सारे स्पॉटेड डियर हैं, और जस्ट 2 सेकंड पहले ही हमारे से क्रॉस हो गए हैं रोड किनारे। देखिए दोस्तों कितने सारे स्पॉटेड डियर हैं, और जस्ट अभी रोड क्रॉस करके यहाँ से निकले हैं इधर की तरफ, आप देख सकते हैं सामने कितने सारे स्पॉटेड डियर हैं रोड क्रॉसिंग करते हुए। और इधर साइड में दोस्तों मोर भी है, शायद आपको दिख पा रहा होगा, अभी तो वो चला गया अंदर की ओर। आप स्पॉटेड डियर देखिए दोस्तों, कम से कम 15 से 20 संख्या में है स्पॉटेड डियर यहाँ पर, शायद आपको दिख पा रहा होगा, और आपको दिखे तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं सामने स्पॉटेड डियर काफ़ी सारी संख्या में, और अभी आगे की तरफ चलते हैं, कुछ और मूवमेंट मिलते हैं तो हमें वो भी आपको दिखाते हैं। हरा भरा जंगल है इस समय, और बारिश पड़ी है अभी आधे घंटे पहले, और अभी फ़िलहाल बारिश रुक चुकी है यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी गेट के पास, आप देख सकते हैं अल्टीमेट व्यू है। और सामने की तरफ बहुत ही शानदार व्यू होते हुए देखिए आप, ऊपर बारिश पड़ रही है पहाड़ पर, आप देख सकते हैं कोहरा ही कोहरा। दोस्तों कंटिन्यू यहाँ से सांबर डियर या स्पॉटेड डियर की कॉलिंग हो रही है बहुत तेज तर्रार, हो सकता है यहाँ पर टाइगर या लेपर्ड हो। और देखिए दूसरी तरफ भी गाड़ी रुक चुकी है, आप देख सकते हैं सामने की तरफ, हो सकता है उनको भी स्पॉटेड डियर की कॉलिंग की आवाज़ आई हो। और दोस्तों सामने की तरफ गाड़ी आ रही हैं कुछ, आप देख सकते हैं बाइक वाले इस तरीके से आ रहे हैं। देखिए दोस्तों सामने सांबर डियर, आप देख सकते हैं जस्ट हमारे सामने ही है, जस्ट धनगढ़ी गेट के पास सांबर डियर, आप देख सकते हैं सामने, बहुत ही अल्टीमेट व्यू है दोस्तों, ये देखिए आप, और जस्ट हमारे सामने दिख रहा है सामर डियर, और ये फीमेल है, फीमेल के सिंग नहीं होते दोस्तों,
आप देख सकते हैं सामने की ओर सांबा डियर, जस्ट रोड किनारे सांबा डियर है, और यहीं पे ही टाइगर साइटिंग होती है बहुत दोस्तों, बहुत ज़्यादा देखी जाती है। आप देख सकते हैं, मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए आप दोस्तों, बहुत अल्टीमेट व्यू है दोस्तों। इस ब्लॉग को प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह जस्ट सांबा डियर हमारी तरफ ही देखते हुए, आप देख सकते हैं सामने की ओर, वाह दोस्तों। मेहनत करते हैं ना तो मेहनत वसूल ज़रूर होती है। आप हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि ऐसे वाइल्ड लाइफ के मोमेंट ढूंढ ढूंढ के लाते हैं हम आज आपके लिए। आप देख सकते हैं सामने, बहुत ही बढ़िया, और चलते हैं आगे की तरफ, कुछ और मोमेंट दिखते हैं तो आप वाइल्ड लाइफ के आपको दिखाते हैं। अभी जस्ट दोस्तों जस्ट बैठे हम अपनी गाड़ी पर और चलते हैं आगे की तरफ, इस पर डियर क्रॉस करते हुए। दोस्तों सामने की तरफ सांबा डियर हैं, गाड़ी आगे की तरफ भी दोस्तों हो सकता है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की साइटिंग हुई देखी जा रही है। तो देखिए इधर की तरफ सांबा डियर, आप देख सकते हैं जस्ट हमारे सामने ही है सांबा डियर। दोस्तों आप से देख सकते हैं बरसाती नाला है, और ये रास्ते में बिल्कुल यहाँ पर जाम लग जाता है दोस्तों। तो देखिए गाड़ी क्रॉस होते हुए आप देख सकते हैं, और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी गेट से आगे नाला पड़ता है, और इस समय काफ़ी बहाव के कारण यहाँ पर जाम भी लग जाता है दोस्तों। कल 1 किलोमीटर दूरी पर जाम लगा हुआ था यहाँ पर, आप देख सकते हैं सामने दोस्तों, कितना अच्छा अल्टीमेट व्यू है। आप देख सकते हैं सामने की तरफ, और बादल छाए हुए हैं पहाड़ों के ऊपर। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, अब चलते हैं दोस्तों, इसको क्रॉस करते हैं बरसाती नाले को। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, आप देख सकते हैं सामने हमारी गाड़ी जा रही है, और कुछ लोग उसमें सनरूफ के बाहर एंजॉय लेते हैं मौसम का। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने स्पॉटेड डियर का झुंड, कितने बड़े स्पॉटेड डियर हैं यहाँ पर, और काफ़ी सारी संख्या में स्पॉटेड डियर, ये देखिए। और बहुत तेज़ कॉलिंग हो रही है, हो सकता है आस पास लेपर्ड या टाइगर भी हो। ये देखिए दोस्तों आप, अमेजिंग ब्लॉग है, बहुत बढ़िया अल्टीमेट व्यू दोस्तों। आप देख सकते हैं सामने, ये अभी हमें दिखाई दिए धनगढ़ी गेट से आगे स्पॉटेड डियर, जी हाँ। और सामने हरा भरा क्षेत्र आप देख सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, अभी वो चले गए अंदर की तरफ। दोस्तों अभी हम धनगढ़ी गेट पर, धनगढ़ी गेट से आ गए थोड़ा सा, और यहाँ का व्यू चेक करिए आप, कितना व्यू अल्टीमेट है दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। ये देखिए दोस्तों आप सामने, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं जुलाई के महीने में, जनवरी का इन्जॉय आप देख सकते हैं सामने। और कितना कोहरा देखिए दोस्तों, कितना कोहरा है यहाँ पर, और कंटिन्यू टूरिस्ट यहाँ पर आते हुए आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने। और देखिए व्यू चेक करिए आप, वाह ये नज़ारा है दोस्तों धनगढ़ी गेट से थोड़ा सा आगे, और यहाँ पर बिल्कुल इस समय वाइल्ड लाइफ तैयार है रोड पर आने के लिए दोस्तों, क्योंकि शाम का वक्त है और शाम के वक्त वाइल्ड लाइफ ज़रूर आती है रोड किनारे, आप देख सकते हैं। और आप व्यू चेक करिए, व्यू कितना प्यारा है, नीचे पहाड़ है और ऊपर बादल और ठंडी ठंडी हवाएँ, बहुत बढ़िया दोस्तों अल्टीमेट व्यू है। इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। और दोस्तों आगे की तरफ दिखाई दिया था हमें एलिफेंट, अभी वो रास्ता भी आपको दिखाते हैं कि क्रॉस करते हुए कहाँ से दिखाई दिया था एलिफेंट दोस्तों। अभी हम चलते हैं जीरो पॉइंट चल के वहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो सामने खड़े हैं सांबा डियर, और जस्ट रोड किनारे, और काफ़ी हम उनसे दूरी पर हैं, कितनी उनसे दूरी पर हैं तो आप सामने जस्ट कितने सारे सांबा डियर हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें एक मेल है और दो फीमेल है, आप देख सकते हैं जस्ट सामने दोस्तों, अल्टीमेट व्यू है दोस्तों, बहुत अल्टीमेट व्यू है, बहुत जस्ट हमारे पास में ही है सांबा डियर, वाह बहुत अल्टीमेट व्यू है दोस्तों, गजब बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों आप सामने, ये देखिए आप, यहाँ जोर से बोलना अलाउ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल हमारे सामने, और आप इंजॉय लीजिए सांबा डियर का। जस्ट हमारे सामने है सांबा डियर, आप देख सकते हैं
बिल्कुल, अब चलते हैं आगे की तरफ, अब ये भी जा रहे हैं जंगल की ओर। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम जीरो पॉइंट, और अब हम यहाँ का आपको व्यू दिखाते हैं कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की क्या एक्टिविटी है, और जो भी एक्टिविटी होगी दोस्तों हम आपको दिखाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। जैसा लग रहा है कि बर्फ़ पड़ रही हो सामने की ओर, आप देख सकते हैं बिल्कुल, और देखिए बिल्कुल हरा भरा जंगल आप देख सकते हैं सामने की ओर। और यहीं से दोस्तों पिछली बार टाइगर पीछे पड़ा था स्पॉटेड डियर के, और वो यहाँ से रोड क्रॉस करते हुए आप देख सकते हैं हमारे पहले वाले ब्लॉग में। और आगे लिखा है दुर्घटना से देर भली। मैं आपको दिखाता हूँ जीरो पॉइंट का व्यू। दोस्तों फाइनली आ चुके हैं हम जीरो पॉइंट पर, और सामने की तरफ है दोस्तों आप देख सकते हैं मोहन विलेज, और इधर है चुकुम विलेज, और बीच में सुंदर सा नज़ारा आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए आप पहाड़ों की चोटियों पर कोहरा ही कोहरा हो बहुत ज़्यादा, और ऊपर की तरफ पड़ रही है तेज़ तरार बारिश आप देख सकते हैं सामने। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, ये आप देख सकते हैं, और इस समय काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा है। ये देखिए दोस्तों अल्टीमेट व्यू है। वाइल्ड लाइफ के साथ साथ आप पहाड़ों का व्यू भी चेक कर सकते हैं, और कितना अच्छा मौसम हो रहा दोस्तों आप देख सकते हैं सामने की ओर, अल्टीमेट व्यू है। ये देखिए दोस्तों अभी वाइल्ड लाइफ के कोई मोमेंट यहाँ नहीं दिखाई दे रहे फिलहाल, क्योंकि वाइल्ड लाइफ अभी डिस्टर्ब है, बारिश हुई है बहुत तेज तर्रार, क्योंकि इसी पेच में रहता है टाइगर और लेपर्ड, तो क्योंकि ये काफ़ी हरा भरा पेच है। और सामने की तरफ है मोहन विलेज आप देख सकते हैं, और सामने कंटिन्यू गाड़ी आ रही है, और यहाँ पर कुछ लिखा है वनों को हम बचाएंगे जीवन में खुशियाँ लाएंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों सामने की तरफ अल्टीमेट व्यू है, और पेड़ बहुत ही ज़्यादा शानदार। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करता हूं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।